तो क्या गाइस, वेलकम बैक अनदर पबजी सोलो रैंक पोस्ट गेम प्ले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम तुमको बताने वाले हैं एक सीक्रेट जो कि होगा ब्रिज कैंप से रिलेटेड। अगर तुम भाई उस चीज़ को यूज करते हो तो भाई ब्रिज से इजी निकल सकते हो बच के। और भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है इंपॉर्टेंट जब आप हाई टीयर पे होते हो और भाई वहाँ पे ज़्यादा माइनस लगने का डर होता है। और मेरे जैसा कोई प्लेयर आ गया तो भाई वो ब्रिज कैंप 100% करेगा। तो भाई उससे बचने के लिए मैं एक सीक्रेट चीज़ लेके आ चुका हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, मज़ा आने वाला है। और गाइस, मैं पहुंच चुका हूं प्लेटिनम पर, तो भाई तुम किस पर पहुंच गए जल्दी से कमेंट करके बता देना। फिलहाल बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की। तो यहां पर भाई पोचंग की उतरा और भाई तभी एक बंदा मेरे को दिखा। पहले मेरे को लगा कि भाई वो छत पे कूदा, छत से भाई सीधा नीचे कूदेगा और अंदर जाएगा, तो मैंने गेट पे फायर दिया, लेकिन वो होता है ऊपर और हमने हवा में ही उसको भर दिया। लेकिन ये बंदा भाई बच के निकल जाता है क्योंकि मेरा रीलोड आ गया था। अब इसका मैं पीछा करूं और उसको AKM मिल जाए और मेरे पास हेलमेट बेस्ट नहीं है तो भाई मैं उससे नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा चाई छोड़ भाई, तू भाग जा, कोई दिक्कत नहीं। तभी बॉट आ जाता है एक और इस बॉट को किल किया भाई। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भसल मच रहा और अच्छी लॉबी मिलने लगी है प्लेटिनम पर। अभी भी मैं पहुँचा हूँ, मतलब आज मैं अभी भी पहुंचा हूं। और ये गेम प्ले जो तुम देख रहे हो ये गोल्ड लॉबी का, और इतनी भसड़ पोचिंग की मैं पहले कभी मैंने नहीं देखी। आई थिंक मतलब नहीं देखी मैंने यार सच में। तभी मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट हो जाता है। अब ये बंदा पीकिंग नहीं दे रहा था, तभी मेरे को नीचे एक बंदा स्पॉट हुआ। अब शायद ये दूसरा बंदा था क्योंकि ये अचानक से नीचे कैसे आ गया। ये भी एक लॉजिक है कि भाई अचानक से ऊपर था, तुरंत नीचे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है और अचानक एकदम सडनली चुटकी बचाया बंदा हाजिर। तो उस बंदे को हमने लॉबी में भेजा, तभी मेरे को पीछे से फुट स्टेप्स आते हैं। अब यहाँ पर देखना ये बंदा करता क्या है, इसको पता ही नहीं लग रहा कि बंदा है कहाँ पे। सामने से वो बंदा कूदा, मैं यहाँ से कूदा, मैंने फायर दिया, मैं कतई यहाँ पे स्पाइडर मैन वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं हवा में फायर कर रहा था और उसको एक भी बुलेट हिट नहीं कर रही थी। तभी मेरे को ये भाई साहब तके बैठे थे कि भाई तुम कब क्रेट लूटो, मैं तुम्हारा कब डब्बा बनाऊं। ऐसे मैं बहुत बार मर चुका हूं पोचिंकी में, और ये गलती तुम मत करना अगर पोचिंकी आए हो, क्योंकि अभी शुरुआत में ज़्यादातर बंदे पोचिंकी जाते हैं। और तुम ये गलत फहमी मत बिठाना कभी भी कि भाई मैं चार गोलियां मारूंगा तो वो बंदा मर जाएगा, जैसे मैंने इस बॉट को मारा। मेरे को लगा कि मर गया, लेकिन ऐसा कभी कभी रियल बंदे के सामने भी हो जाता है और तुम वहाँ पर किल हो जाते हो। ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब भर भर के हुआ है, कुछ मैं कह नहीं सकता। तो यहाँ पे इधर खाली करने के बाद मेरे को सामने की तरफ से एक शॉट आउट आया, गन शॉट। तो भाई ये बंदा पता नहीं क्रेट लूटने गया था जिसको मैंने अभी मारा था। और यहाँ पे एक गाड़ी भी आया जो तुमको सामने एक दिखाई देगा US। अब वो बंदा कहाँ पे ये कोई पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को बढ़ना था धीरे धीरे करके उसकी तरफ क्योंकि उसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेरे को यहाँ से निकलना, क्योंकि गैराज के पास एक गाड़ी है और एक गैराज में गाड़ी है, मतलब दो गाड़ियाँ हैं उधर से ही है। तभी मेरे को फुट स्टेप्स आ जाते हैं इसी घर से। तो मैंने कहा भाई हर एक बंदा सोचता है वेलकनी में बैठूंगा जाके, और भाई मैं यहाँ पे आया तो सरकने का आवाज़ आया और भाई मैंने एक नेट थ्रो कर दिया। अब ये बंदा उठा क्यों नहीं मेरे को नहीं पता, क्यों नहीं उठा कुछ भी हो सकता है, उसको लगा होगा कि नहीं मरूंगा मैं। लेकिन भाई बच गए यार, तुम कैसे नहीं मरोगे भाई, कैसे नहीं मरोगे, ये मेरा ग्रेनेड है समझे। तो यहाँ पे इस बंदे को लूट रहा था, तभी सामने की साइड से भाई मैं चेक कर रहा था इस घर में कोई बंदा अंदा तो नहीं है एकदम ग्रेनेड खींच के, लेकिन तभी मेरे को एक डासिया का साउंड आया। मैं तुरंत बाहर निकला, मैंने कहा अगर निकला तो भाई तुरंत मैं गिरा दूंगा गाड़ी से, लेकिन वो गाड़ी वहीं पर रुक जाता है। और यहाँ पर मैं TPP ले रहा था और तभी बंदा निकलता है, बंदा निकल के सीढ़ियों से ऊपर जाता है। मैंने कहा ये मौका मैंने खो दिया, अगर मैं आपको इसको यहीं मार देता तो ये किल हो सकता था। लेकिन ये बंदा ऊपर, गेट अभी अभी खुला होगा, सीढ़ियों के जस्ट बगल में होता है जो, वहीं पे मैंने नेट किया और बंदा वहीं पे बैठा था और इजी किल हो गया। मतलब मैंने उसको नोटिस किया, वो बंदा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के गया, उसके बाद उसने गेट खोला लेकिन वहाँ से मूवमेंट उसने नहीं दिया। तो भाई कहाँ खड़ा होगा, वहीं खड़ा होगा, और वहीं हमने उसको भर दिया। तो यहाँ पे इसको लूट रहा था, तभी पीछे की साइड से एकदम से भड़बड़ की आवाज़ आई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। एक बंदा वहाँ था, एक बंदा स्क्वाड हाउस में, ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। मैंने सोचा वो बंदा इस बॉट को मार रहा था, तो भाई इस बॉट को मैंने किल कर दिया। लेकिन वेलकनी में मैंने एक बंदा देखा था स्क्वाड हाउस में, तो भाई वो बंदा अभी भी वहीं पे है। और ये चीज़ मेरे को तब पता लगी जब मेरे को फुट स्टेप्स आए। मैंने कहा हैं भाई कहाँ से फुट स्टेप, अचानक अद्भुत कुछ भी कहीं से भी आने लगते हैं फुट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने नेड वेट ट्राई किया, मैंने कहा भाई सीढ़ियों के पास TPP ले रहा होगा, मैंने एक नेड फेंका, मैंने कहा यहाँ पे अगर TPP ले रहा है तो भाई बूम, लेकिन वहाँ पे बंदा था ही नहीं। दोबारा दूसरा नेड करता हूँ, मैंने कहा अगर सीढ़ियों के
जो गेट है ना वहाँ पे अगर टीपीपी ले रहा होगा तो बूम हो जाएगा इस नेट से। लेकिन वो बंदा भाई पैनिक रूम में बैठा था, यहाँ से मैंने तुरंत ही जंप लगाया, मैं गया उसकी साइड और अंधा घुसा। मैंने कहा भाई बहुत देर हो गया, तुम नहीं निकलोगे, मेरे को ही निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ये पूरा एरिया, यहाँ पे बंदा नहीं था और बैल्कनी में तो था ही नहीं, तो भाई पूरा कंफर्मेशन हो जाता है कि वो पैनिक रूम में बैठा है। और वहाँ पे इस नेट से ये बंदा किल हुआ कैसे नहीं, डैमेज हुआ उसको, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, जैसे तुमने देखा एक ही बुलेट में वो मर गया। और भाई ये बंदा किल हुआ कैसे नहीं मेरे को नहीं पता, क्योंकि 4 मीटर शायद 4 फुट का होता है एरिया, 4 फुट के बाद ग्रेनेड डैमेज देता है, तो भाई ये शायद 4 फुट से दूर था इसलिए उसको डैमेज ही ओनली हुआ। तो भाई हम आ जाते हैं अपने सीक्रेट की तरफ। तो यहाँ पे भाई ये वाला जो ये बंदा अपनी गाड़ी लेके निकल गया ड्रॉप लूट के, तो गाइस ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, इस प्लेटफॉर्म से सीधा आप ब्रिज क्रॉस कर सकते हो। और मैंने इसमें ट्राई भी किया, मैं उतरा, मैंने कहा भाई पहली बार मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता अंदर क्या है क्या सीन होता है। मैंने सोचा ये वाला दरवाज़ा है, मैंने इधर घूमा नहीं पता लगा, मैंने कहा ये वाला दरवाज़ा होगा ये खुल जाएगा अंदर घुस जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा ये दरवाज़ा है, लेकिन जो बग्गी वाला बंदा गया उससे मेरे को डर था कि भाई वो मेरे को ना पेल दे अगर मैं जाऊँ ओपनली, थोड़ा टाइम लगता है तो भाई वहाँ पे किल हो सकता हूँ। मैंने स्मोक कर लिए। अब यहाँ पे ये सीधा आपको ब्रिज क्रॉस करा देगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। पोचंकी से भी एक है प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी जा सकते हो। तो मैं नीचे आया सीधा, डैमेज होने लगा, दिक्कत मेरे को नहीं पता समझ में आई कि भाई यहाँ पे आया मैं डैमेज कैसे खाने लगा। और यहाँ पे होता है एक बंदा, बस ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई भी बंदा हो सकता है और ये चीज़ मेरे को नहीं थी पता। और भाई वो बंदा टीपीपी लेके बैठा था, अगर यहाँ से ये बंदा नहीं होता तो मैं ईजी बच के निकल सकता था। तो गाइस ये था सीक्रेट, अगर तुम इसको यूज करो अच्छे से दिमाग से तो भाई कर सकते हो। मैंने दूसरे गेम्स में किया भी है इसको यूज, आराम से निकल के जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को, आराम से इजी निकल के पहुँच जाता हूँ मैं ब्रिज के उस पार। तो भाई ये था गेम प्ले और ये आप देख रहे हो डेथ कैम। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये डेथ कैम देखो, और भाई इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाओ जाके वो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।